सो गाइस, जब भी आप एक जिम बेल्ट खरीदने जाते हो, एक डाउट में फंस जाते हो कि हमें एक वेलक्रो वाली बेल्ट लेनी चाहिए जो कि कुछ ऐसी होती है ऐसी वाली, या फिर एक ऐसी बेल्ट जो कि बक्टल में आती है, थोड़ी सी लेदर की होती है एंड थोड़ी हैवी भी होती है। तो सबसे पहली चीज जिसको आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपका बेल्ट खरीदने का पर्पस क्या है। जाहिर सी बात है, हैवी लिफ्टिंग के वक्त अपनी बैक को बचाना। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जो प्रोफेशनल लिफ्टर्स होते हैं वो कभी भी वेलक्रो बेल्ट प्रेफर नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वेलक्रो होता है गाइस, ये टाइम के साथ कमजोर हो जाता है। 6 महीने साल भर के बाद इसका जो वेलक्रो होता है लिफ्टिंग वक्त आसानी से खुलने लगता है या ढीला हो जाता है। तो सपोज करो आप बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हो और ये बेल्ट आपको धोखा दे दे, खुल जाए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको काफी भारी इंजरी हो सकती है। वही बात करो इस बक्सल वाली बेल्ट की, जो कि एक गारंटी के साथ आती है गाइस कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का 600-700 रुपए का एक बेल्ट ले लिया तो ये जो बक्कल होता है गाइस, लोहा है, ये आपको धोखा नहीं दे सकता, ना ही ये जो लेदर होता है आप इसे तोड़ सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल से यूज कर रहा हूं एंड इसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है और मैं कभी भी एक वेलक्रो बेल्ट तो नहीं लूंगा। तो अगर आप मेरी सजेशन चाहते हो तो आप ये बेल्ट लो,